नालिनी की मुलाकात जैसे साजेरी से होती है तो वो तो उसे बहुत ज्यादा ही पसंद करने लगते हैं। हालांकि साजेरी के दिए हुए कार्ड के कारण वो उसके घर पे पहुंच जाते हैं और पता चलता है कि भाई उसकी मॉम इसकी पुरानी सहेली है। चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं अपने ही प्रॉब्लम से सिवा बहुत ज्यादा परेशान होता जा रहा होता है, मजेदार होती है। तो फिर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, एपिसोड की स्टार्टिंग मंदिर से होती है। ये बाहर बहुत ज्यादा परेशान होता है और फिर ये अंदर चला जाता है क्योंकि चिंता भी इसको बहुत ज्यादा होती है कि इसकी मॉम काफी लेट कर रही है। लेकिन अंदर जाता है तो साजेरी भी जब गाना गा रही होती है क्योंकि वो आरती वंदना जो भी चीजें होती है वो कर रही होती है, तो नालिनी उसको देखती है और वो उसे बहुत पसंद करने लगते हैं क्योंकि उसके बाद एकदम कोयल जैसी होती है। उसके बाद में वो प्रसाद बांटती है और वो प्रसाद नालिनी को भी देती है और प्रसाद काफी बेहतरीन होता है। तो यहाँ इनकी दोस्ती मतलब हो जाती है जान पहचान से क्योंकि नालिनी को पसंद आती है तो तारीफ करती है। और तब पता चलता है कि भाई साजेरी घर पे ही ये सारे स्नैक्स का काम भी करती है तो उसको काट देती है। अब नालिनी सोचती है ठीक है इस लड़की से मिलना जरूरी है। लेकिन जैसे ही अब यहाँ से साजेरी बाहर जा रही होती है तब तक अंदर आने की कोशिश सिवा भी करने लगता है क्योंकि वो सोचता है कि यार मॉम की बहुत ज्यादा लेट हो रही है तो मैं ही जा करके उनको बाहर लेकर आता हूँ। अब जैसे अंदर जाता है दौड़ करके पास इसका जो घड़ी है उसमें उसका कपड़ा फंस जाता है साजेरी का, वो बाहर आ रही होती है और कान में उसके ईयरफोन होता है, वो गाना सुन रही होती है। अब ये इसको लेकर घाट पर चले जाते हैं जहाँ पे हवन होता है और यहाँ पे ये चार राउंड मतलब लगा लेते हैं। इस चीज को देखने के बाद में पंडित जो लोग होते हैं उन लोगों को तो कुछ और ही चलने लगता है कि भाई अगर चार फेरे हो चुके हैं तो तीन फेरे और हैं वो भी होंगे और ये बदला नहीं जा सकता, ये नियति का रूप है। लेकिन ये सारी बातों के बारे में कहीं ना कहीं उसकी मॉम को भी पता चल जाती है। वो तो बहुत खुश होती है कि चलो फाइनली ये लड़का खुश नसीब तो है ही क्योंकि अब इनको वो पसंद आने लगे। हालांकि सिवा भी घर आता है देखता है उसकी बहने में ही बात ऐसे ही मतभेद चल रहा होता है अपने में ही सब कुछ, किसका बच्चा नहीं हो रहा किसी का क्या, तो लेकर के परेशान होता है। ये भी चिंतित होता है लेकिन अपने दुख दर्द को साइड में रख करके ये सिर्फ और सिर्फ साथी के बारे में सोच रहा होता है कि इसका मैसेज आया नहीं है, ये खुद ही करे क्योंकि उसने तो मना कर रखा है कि ना ही तुम फोन करोगे ना ही मैसेज, तो बहुत परेशान। और यही हाल कहीं ना कहीं वेल साजेरी का भी होता है क्योंकि गुड़ लोग जब नालिनी वेल इसके घर पे आई होती है तो इसकी मॉम से तो मुलाकात होती है और जिसकी मॉम से मुलाकात होती है तो पता चलता है ये तो दोनों ही पुराने दोस्त हैं कॉलेज के। अब इनको बहुत अच्छा लगता है, अब ये बातें हो जाती है मुलाकातें हो जाती है तो ये साजेरी से मिलना चाहते हैं नालिनी, लेकिन उस टाइम पे होती नहीं है, बाद में ये आती है। अब यहाँ से नालिनी घर चले जाते हैं। अब जब इस चीज के बारे में कि उसको प्यार हो चुका है साजेरी को और ये भी खुद को नहीं रोक पाती सीधा से मिलने के लिए उसको मैसेज करने से, तो अभी उससे लगता है कि अब मैसेज कर ही देना चाहिए। तो ये फाइनली फर्स्ट मैसेज करती है और उसको लगता है कि साथ ही, तो अब ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। देखो चीजें बहुत बेहतरीन होने वाली है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी लाइन तो है ही क्योंकि ये दो तरफा प्यार एक साथ में होगा तो मजा गुड़ लगाने वाला है क्योंकि यहाँ स्टोलन बहुत अजीब है, ये जिससे प्यार करता है वो उससे प्यार नहीं करती, तो ये ना बहुत मजा आने वाला है इसका उसका पता नहीं किसका किसका। तो बस गुड लोग आज के साथ में बस इतना है क्योंकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग करते जाते हैं। फर्स्ट सेशन पिछला वाला होता है कि ये प्रपोज तो मारता है लेकिन एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा ये कहना मुश्किल है, तो देखते हैं लोग क्या होता है क्या नहीं।